भले ही फिल्म इंडस्ट्री की पंगा क्वीन कहलाती हो कंगना, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो एक धाकड़ एक्ट्रेस हैं। 100 करोड़ी फिल्म देने के लिए उन्हें किसी खान या कपूर की जरूरत नहीं। कंगना ने अपने दम पर बॉलीवुड में पहचान बनाई है और आज एक दिग्गज एक्ट्रेस मानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव भंबाला में 23 मार्च 1987 को हुआ था कंगना का जन्म। अपना सपना पूरा करने के लिए 16 साल की उम्र में ही वो घर से भाग गई थी। बॉलीवुड में शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया, इसके बाद फिल्म गैंगस्टर जैसी फिल्म मिली और फिर वो पीछे नहीं पलटी। फैशन क्वीन, तनु इट्स मन्नू, मणिकर्णिका और थलाइवी जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में क्वीन बना दिया। कंगना ने शोहरत के साथ खूब दौलत भी कमाया है। वो करोड़ों की मालकिन है, हर महीने वो करोड़ों कमाती है और बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं। कंगना एक फिल्म के लिए करीब 15-17 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं, वहीं विज्ञापन के कंगना 2-4 करोड़ रुपए तक लेती हैं। कंगना ने मुंबई में एक आलीशान फ्लैट ले रखा है, साथ ही मनाली में भी उन्होंने एक खूबसूरत बंगला खरीदा हुआ है। कंगना को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है, उनके पास कारों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। कंगना की सबसे महंगी प्रॉपर्टी उनका मनाली वाला बंगला है। खूबसूरत पहाड़ और वादियों के शहर मनाली में पूरे 30 करोड़ खर्च कर कंगना ने महल जैसा घर बनवाया है। कंगना ने सबसे पहले मनाली में 10 करोड़ की जमीन खरीदी थी, बाद में उन्होंने जमीन पर 20 करोड़ की लागत से शानदार बंगला बनवाया। 7600 स्क्वायर फीट में फैले कंगना के बंगले को बनाने में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला का ध्यान रखा गया है, साथ ही ये घर है पूरी तरह से इको फ्रेंडली। कंगना के इस विंटेज तरीके से बने बंगले में कुल 8 कमरे हैं। उनके घर की हर एक खिड़की से पहाड़ों का नजारा देखने को मिलता है। जब भी कंगना को टाइम मिलता है वो अपने मनाली वाले बंगले पर चली जाती हैं। वहीं कुछ दिन पहले कंगना ने अपने उसी बंगले के बगल में एक और घर बना लिया है। कंगना के दोनों बंगले नदी के पत्थरों, स्लेट और लकड़ी से बने हैं। उनके घर का निर्माण पूरी तरह से पहाड़ी शैली में किया गया है। उनके घर में आप हिमाचली झलक देख सकते हैं। कंगना के बंगले में 8 कमरे होने के साथ डाइनिंग रूम, फायरप्लेस, जिम भी है। इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक योगा रूम भी बनवाया है। कंगना के घर की छत पर टॉप ग्लास रूफ लगवाया गया है। कंगना के घर में पहाड़ी लकड़ी की बनी क्लासी सीढ़ियां हैं, जहां पुरानी पेंटिंग्स और तस्वीरों से डेकोरेशन किया गया है। उनके घर में बेहद शानदार फर्नीचर और सजावट आपको देखने को मिलती है। इस बंगले का इंटीरियर शबनम गुप्ता ने तैयार किया है। इसे पूरी तरह बनाने में करीब 9 महीने का समय लगा था। कंगना रनौत के घर की बालकनी से पहाड़ों का सुंदर नजारा देखा जा सकता है। इस घर में मुंबई के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।